रात से हो रही बारिश के कारण गढ़चिरौली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर है, जबकि दक्षिण गढ़चिरौली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सीमा पर पर्लकोट, पामुल, गौतम और इंद्रावती नदियों ने उग्र रूप ले लिया है। पर्लकोटा नदी में बाढ़ की स्थिति, भामरागढ़ गाँव में पानी घुस गया है और कई दुकानें और घर पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले को भारी बारिश का इशारा दिया है। जिले में दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसके चलते कई सड़कें बंद हो गई है। भामरागढ़ तालुका के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में गढ़चिरौली सीमा के पास भारी बारिश के कारण गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ के पास बहने वाली इंद्रावती, पर्लकोट, पामुल, गौतम नदियां उफान पर है। पर्लकोटा नदी पुल से पानी बहने के कारण आलापल्ली भामरागढ़ मार्ग भी बंद हो गया है। इसके चलते भामरागढ़ का बाजार पानी में डूब गया है, साथ ही 60 से 70 घरों में पानी घुस गया। वहीं कुछ घर खतरे के निशान पर है और उनके सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस जल भराव में से लोग जैसे तैसे अपना सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक हुई बरसात के कारण लोगों को इस आफत का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में एक नागरिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी सुद्धा भामरागढ़ मध्ये रात्र 3 वाजता अचानकपणे पाणी बाजारपेठेत घुसलं, त्याच्यामुळे कमीत कमी 50 व्यापाऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे आणि पूर्ण जवळपास नदीपासून 500 मीटर पाणी गावात शिरलेलं असल्यामुळे चिकन मार्केटवाल्याचे कोंबड्या मेले आणि कोणाला काही चान्सच मिळाला नाही का, म्हणजे माल व्यवस्थित करण्यासाठी। दरवर्षी कसं होतं, जसं जसं पाणी वाढत होतं तसं तसं आम्हाला मौका मिळत होता का सामान हटवासाठी, पण यावर्षी रात्र अचानक पाणी वाढल्यामुळे कोणाला काही मौकाच मिळाला नाही, त्याच्यामुळे अतोनात व्यापाराचं नुकसान झालं आहे आणि बाकी जेवढे बी भामरागडच्या म्हणजे पूर परिस्थितीमध्ये लोकांचे घरं डुबले त्यांचंही पण खूप नुकसान झालं आहे। तुम्ही मग असा बुडत असताना तुम्ही नेहमी इथे का राहता? येतं राहतो, आता दुसरी जागा कोठं आहे आम्हाला? तुम्ही पुलियामुळे जागा जाणार आहे त्याच्यासाठी पण आम्ही बहुत प्रयत्न केलो, गडकरी साहेबाकडे पण गेलो होतो की आम्हाला दुसरी जागा द्या, ही जागा घ्या म्हणून, पण कोणी जागा द्यायला तयारच नाही। शासनच देणार नाही तर आम्ही कुठं जाणार? पाण्यात बुडो किंवा मरो कोणाला काही लेणं देणंच नाही। आता पण तुमच्या घरामध्ये किती पाणी आहे? माझ्या घरात आता कमीत कमी 3 फूट पाणी आहे आता सध्या। सी टी व्हीतले प्रतिनिधी गणेश मुतकुर, वारकी रिपोर्ट।